हिमाचल प्रदेश आ चुका है न्यूज 18 इंडिया का कारवा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे हैं जो बिलासपुर में कैंपेन कर रहे हैं आखिरी चरण के लिए मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, लोगों को बीजेपी को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आज कार में सरकार में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अनुराग जी स्वागत है सर आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में स्वागत। चलिए फिर मैं भी अपना कार्य शुरू करती हूँ। कार में सरकार अनुराग ठाकुर होंगे, बहुत सारे सवाल, शुरू करते हैं सिलसिला। विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। विपक्ष का काम है कहना, कुछ तो कहना है। सच्चाई ये है 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर मोदी सरकार ने निकाला है। 51 करोड़ 40 लाख रोजगार सृजन पिछले 10 सालों में हुए, स्कॉच की रिपोर्ट ने कहा है। और इसके अलावा अगर आप ईपीएफओ का आंकड़ा भी देखेंगे वो भी अपने आप में दिखाता है कि 7 करोड़ 60 लाख लोगों को 2018 के बाद अब तक रोजगार के अवसर मिल पाए। 41 करोड़ मुद्रा लोन मोदी सरकार ने दिलाए, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हैं जिनको केवल रोना रोना है क्योंकि वो बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा, लेकिन वो ये कह रहे हैं, अभी आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जब वापस आऊंगा, सरकार हमारी आएगी तो वो जेल में जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि गुजराती बिहारियों को धमका नहीं सकता है, जब तक मैं बेड रेस्ट नहीं लूंगा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेड रेस्ट नहीं ले लेते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार करके आप राज्य के नाम के पीछे छिप जाए, कईयों को अपनी जात याद आ जाए, कोई अपने उसकी बात करे तो अपने आप में स्पष्ट नजर आता है कि ये कैसे जात का उपयोग कभी वोट के लिए करते हैं, कभी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए करते हैं। और यही दुर्भाग्य है कि इन्होंने जब सत्ता में थे तब रेलवे में जमीन के बदले जॉब दिया और ये भ्रष्टाचार किया, उसमें अधिकतर लोग इनके अपने ही कास्ट के हैं क्या, तब इनको बिहारी याद नहीं आए, तब इनको यादव याद नहीं आए, तब इनको अपने साथ लगते जो इनके सहयोगी हैं वो याद नहीं आए, उनसे पैसा क्यों लिया गया, उनसे जमीन क्यों ली गई। देखिए वो कहते हैं आपके पास ईवीएम है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, अरविंद केजरीवाल यही तो कह रहे हैं कि मेरा वजन कम हो गया है और मुझे बेल अब मेरी एक्सटेंड कीजिए क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है। देखिए जो इतना झूठ बोलता है उसका वजन अपने आप कम हो जाएगा, जो इतना भ्रष्टाचार करता है उसका अपने आप कम हो जाएगा। जब उनके अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके पीछे खड़े जीप पे कह दें कि 2 तारीख को भ्रष्टाचारी को फिर जेल में जाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यही होगा तो वजन अपने आप कम होगा। स्वाति मालेवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए जिन पार्टियों में महिलाओं की इज्जत मान सम्मान नहीं, जहां मुख्यमंत्री के घर पे एक महिला सांसद को लात घूंसे मारे जाए, बाहर निकाल दिया जाए, वो पार्टी महिलाओं के लिए क्या करेगी। इन्होंने कभी नारी शक्ति के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपमानित किया है। नारी शक्ति के लिए अगर 33% आरक्षण किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। राहुल गांधी को आपने सुना होगा ठाकुर साहब, उन्होंने ये कहा कि सवाल पूछा जाता है उनसे, चमचो शब्द का इस्तेमाल किया, फिर कहा कि सवाल पूछते हैं और जवाब आता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे तो भगवान ने उतारा है, और अब वो अपने आप को जो है ये दर्जा देने लग गए हैं। देखिए मोदी जी ने कहते देश कहता है, और मैं तो एक बात कहूँगा, राहुल गांधी जी सवाल लेने से क्यों भागते हैं, मीडिया पर क्यों कटाक्ष करते हैं? मुझे लगता है इंदिरा जी की कहीं ना कहीं प्रभाव अब राहुल जी पर देखने को मिलता है। वो सत्ता में थी तो इमरजेंसी लगाई, ये बेचारे बेरोजगार हैं राहुल गांधी जी, तो मीडिया पर प्रहार करते हैं, आरोप लगाते हैं और क्या करेंगे। इनकी हालत वो है जो बिन पानी मछली तड़पती है वैसे तड़पते हैं सत्ता के बिना कांग्रेस। आपको कितनी सीटें लगती हैं ये लोग लेकर आएंगे? देखिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है 40 पार करने के लिए, अभी भी 40 पार है। अब देखिए नतीजे आएंगे 4 तारीख को, 4 तारीख का दिन होगा, नतीजे आने आएंगे। वो कह रहे हैं आप 250 पार नहीं जा पाएंगे। देखिए कांग्रेस तो 250 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है, वो सरकार क्या बनाएगी, अग्निवीर का भ्रम ये फैलाते हैं। मैं अग्निवीर पे यही कहूंगा, मोदी सरकार ने योजना चलाई, पहले 1 रैंक 1 पेंशन दिलाई, अब 100% गारंटी रोजगार की अग्निवीर के माध्यम से दिलाई,
अगर मान लीजिए 1000 युवा या 100 ही गिन लीजिए, मतलब 100 अग्निवीर सिलेक्ट होते हैं, वो 100 के 100 पहले 4 साल सेना में अपनी सेवाएं देंगे, 4 साल के बाद 25% रह जाएंगे, 25 रह जाएंगे, 75 आएंगे, 75 को लाख रुपए इकट्ठा फंड मिलेगा और उन 75 को फिर रोजगार के अवसर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होते हैं उनमें मिलेगा, हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में मिलेगा, हाँ। हमारी पुलिस फोर्सेज जो राज्यों में है उनमें उनको आरक्षण मिलेगा, यानी कि उतना रिजर्वेशन उतनी रहेगी, उनको छूट मिलेगी एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की और बाकी सब, और इससे उनको लाभ मिलेगा रोजगार पाने में। तो जितने आए इनकी तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। ये आप कह रहे हैं और वो कह रहे हैं हरियाणा में इस बार आपको इसीलिए नुकसान होगा क्योंकि अग्निवीर लेकर आए, आपने अग्निवीर पर जवाब दिया, आप कह रहे हैं जितने सवाल हो सकते पूछिए। वो ये कहते हैं मणिपुर क्यों नहीं जाते, ना आप जाते हैं ना प्रधानमंत्री जाते हैं। अरे मैं तो अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर की मीटिंग ही मणिपुर में करके आया हूँ, कॉन्क्लेव मैंने वहां पे किया, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देश की हम मणिपुर में बना रहे हैं, जहां से हमें मैरी कॉम जैसी बॉक्सर मिली जिसने भारत को 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में बनाया, ये भारत की बेटी है। पर वो कह रहे हैं हालात बड़े खराब है, आप खेल की बात कर रहे हैं, वहां तो आपस में मारकाट मची हुई है पर आप लोग सुध ही नहीं ले रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा रूपिका जी, हमने नॉर्थ ईस्ट में 11 पीस अकॉर्ड किए शांति समझौते, सैकड़ों नहीं हजारों नक्सलवादियों को हमने हथियार डालने के लिए आगे लाए और आतंकवाद और नक्सलवाद पर हमने नकेल कसी है। काश ये कांग्रेस ने पहले किया होता तो मेरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत अलग स्थिति होती। प्रियंका गांधी मन से ये कहती है कि मेरी दादी ने शहादत दी, मेरे पिता ने शहादत दी और ये हमें गद्दार पुकारते हैं, ये हमारी शहादत को एकदम कमतर आंकते हैं। देखिए यही तो प्रॉब्लम है इस परिवार की, इनके लिए परिवार प्रथम, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट, यही अंतर है इनके। गांधी फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड नेशन लास्ट। अच्छा अरविंद केजरीवाल की पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं? वो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनकी पार्टी खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा अपने आप ही खत्म होने को आ गई है। उनका शराब मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में, उनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, उनका उप मुख्यमंत्री जेल में, उनका मुख्यमंत्री जेल में, अब बताओ बचा बाहर कौन? तो वो आपने किया, जो बाहर बचे हैं उनके ऊपर लात घूसे चला रहे हैं, और राज्यसभा की महिला सांसद के ऊपर आप कल्पना कीजिए क्या हालत कर दी इस पार्टी की, कहीं एक और घोटाले होते हैं दूसरे लात घूसे चलते हैं। लेकिन ये तो दो ही लोग बताते ना, आपकी पार्टी में दो ही लोग हैं, तीसरा कोई है ही नहीं, पहले है नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह, बाकी किसी से कोई पूछा ही नहीं जाता। ऐसा नहीं है जी, हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, सबसे बातचीत करके अलग अलग विषयों पर जहाँ जिससे बात करनी वो करना होता है। आपने जो भी वादा किया मैनिफेस्टो में, बड़े वादे वो आपने पूरे किए? हाँ जी हमने बिल्कुल किए। पीओके को लेकर आप बार बार, आपकी सरकार में तमाम बड़े मंत्री, आप भी कई दफा